आइए इस्तेमाल करके देखते हैं लाइट मोटिव 120 को। और आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सिर्फ एक लाइट का इस्तेमाल करके बहुत ही अमेजिंग पोर्ट्रेट्स आप खींच सकते हैं। तो इस सेटअप में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ निकॉन का Z6 कैमरा और साथ में है 70-200 लेंस, और इसको मैं करूंगा टीदर शूट और टीदरिंग मैं करूंगा कैप्चर वन के साथ में। पोर्ट्रेट खींचने के लिए मैंने अपने कैमरा को सेट किया है 5.6 पर और उसकी शटर स्पीड है 1/125 और ISO है 100। सो लाइट मुझे सही आउटपुट दे 5.6 का, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं अपना लाइट मीटर इस्तेमाल करूं। अगर आपके पास लाइट मीटर नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी स्क्रीन के अंदर आप एक्सपोजर को देख करके समझ सकते हैं। पर मेरे पास क्योंकि लाइट मीटर है, और अगर आपके पास है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लाइट मीटर को अपने इस्तेमाल ज़रूर करें, बिकॉज उसी से ही आपको परफेक्ट एक्सपोजर मिल सकता है। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि वो मॉडिफायर को सीधा मॉडल के फेस की तरफ लाइन करते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका है कि अगर आप मॉडिफायर को सेंटर ऑफ कर दें, अगर आप मॉडिफायर को इस तरीके से लगाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लाइट है, लाइट का फॉल ऑफ इस तरीके से जाएगा, तो एक बहुत ही स्मूथ ग्रेडिएशन क्रिएट होगी। ये लाइट यहाँ पे हिट करेगी और जो ये इतना एरिया जो मॉडल के फेस के सामने है वो पूरा पूरा रैप अराउंड इफेक्ट देगा। सो बेस्ट तरीका है कि लाइट को या किसी भी बड़े मॉडिफायर को कभी भी आप सेंटर में ऐसे फोकस ना करें। अगर आपने ऐसे फोकस किया तो ये सेंटर एरिया हॉटस्पॉट बनाएगा। हालांकि लाइट मोटिव 120 का एडवांटेज ये है कि इसके अंदर डबल डिफ्यूजन है सेंटर में, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा इसको खोल करके ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सेंटर में डबल डिफ्यूजन होने की वजह से वो सेंटर में हॉटस्पॉट तो नहीं क्रिएट करेगा, पर ये जो पीछे वाला जो एरिया है, ये एरिया पीछे बैकड्रॉप के ऊपर लाइट देगा और फ्रंट पर आने के लिए बहुत कम एरिया बचा है। सो जब भी आप बड़ा मॉडिफायर यूज़ कर रहे हैं या किसी भी मॉडिफायर को मैं कहूँगा अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से लगाएं ताकि वो ज़्यादा एरिया फ्रंट के ऊपर आए, ना कि वो सीधे के सीधे सेंटर हॉटस्पॉट क्रिएट करे। सो अभी क्योंकि लाइट फुल पावर में है तो यहाँ पर F16 रीडिंग आई है। इस स्काईपॉड ट्रिगर के साथ में मैं इसकी पावर को लगभग 3.0 तक लेकर के आता हूँ। एंड नाउ लेट्स सी कि क्या पावर आई है। 4.0, हल्की सी पावर मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से। सो एक्सपोजर मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। सो मैं अपने कैप्चर वन को एक बार सेट कर लेता हूँ और उसके बाद में हम शूट करना शुरू करते हैं। और हमारा एक शॉट यहां पर हम लेके देखते हैं। तो अगर आप यहां पे देखें ध्यान से तो बहुत ही अच्छी और स्मूथ लाइट आ रही है, कहीं पर भी कोई हार्ड शेडोज नहीं है, एक स्मूथ ग्रेडिएशन है। लेकिन लाइट जो है नीचे काफी ज्यादा जा रही है, तो एक छोटा सा चेंज करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारे पोर्ट्रेट में कुछ डिफरेंस आता है। ये मैं और थोड़ा सा नजदीक लेके जा रहा हूँ, राइट। सो अब जो लाइट का जो फॉल है वो लाइट का फॉल ऊपर की तरफ ज्यादा जा रहा है और नीचे कम आएगा। अगर आपने मॉडिफायर को नीचे की तरफ रखा तो लाइट जो है वो काफी ज्यादा नीचे की तरफ से थ्रो होगी। सो अगर आपकी वो डिजायर्ड लुक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादातर होना ये चाहिए कि आपका मॉडिफायर लगभग जहां पर आपका हाफ मिड रेंज में मॉडिफायर आपका खत्म हो जाए, राइट, ताकि जो लाइट है वो नीचे से ज्यादा ना आए ऊपर की तरफ से ज्यादा आए। क्योंकि मैंने अभी लाइट को छेड़ा है तो मुझे रीडिंग दोबारा से लेनी पड़ेगी, तो मैं अपने लाइट मीटर से फिर दोबारा से रीडिंग लेके देखता हूं। सो लाइट में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है, वहीं है 5.6 से हल्का सा 0.2 इंक्रीज़ हुआ है। रीज़न उसका ये हो सकता है कि मैंने लाइट को पास में तो लेकर आया हूँ लेकिन मैंने आधी से ज़्यादा लाइट को मैंने ऊपर की तरफ ले गया हूँ, तो वो फेस पर उतना ही आ रहा है जितना पहले था। सो एक बार फिर दोबारा से शॉट लेकर के देखते हैं।
अगर आप इन दोनों इमेजेस को कंपेयर करके देखें तो जो पहली लाइट है उसमें नीचे की तरफ से लाइट ज़्यादा आ रही है, जबकि जो दोबारा जब मैंने ये लाइटिंग सेटअप किया, मैंने चेंज किया लाइट को, थोड़ा सा हाइट दिया, तो उसमें ग्रेडिएशन उतनी ही है, उतनी ही स्मूदनेस है, पर लाइट एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है जो कि और ज़्यादा प्लीजिंग पोर्ट्रेट लग रहा है। तो छोटे छोटे चेंजेस अगर आप लाइट में करेंगे, ध्यान देंगे कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके का आपको आउटपुट निकालना है, और उसके हिसाब से अगर आप लाइट मॉडिफायर को लगाएं तो सबसे अच्छा आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। एक और चेंज करके यहाँ पे देखते हैं। तो अभी मैंने साइड में फिल के लिए मैंने थर्माकोल का इस्तेमाल किया है, और ये लाइट जो है अब इस थर्माकोल पे बाउंस करेगी, और उसके बाद जो इधर जो शेडोज क्रिएट हो रही थी उन शेडोज को सॉफ्ट करेगी। तो देखते हैं अब कैसा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे अगर आप अभी देखें तो साइड में शेडोज बहुत ही ज़्यादा कम हो गई हैं, तो मेरे टेस्ट के हिसाब से ये लगभग फ्लैट इमेज है। सो मैं आपको एक मिनट कंपेयर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पिछला वाला शॉट जो है वो ज़्यादा ड्रामेटिक लग रहा है, और जबकि अभी जो हमने शॉट लिया है फिल के साथ में वो लगभग फ्लैट लग रहा है, जो मेरे टेस्ट के हिसाब से सही नहीं है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस फिल को थोड़ा सा दूर ले जाते हैं। मैं एक साइड में से फिल यूज़ कर रहा हूँ। यूजुअली जब मैं लाइट मोटे 120 यूज़ करता हूँ तो मैं उसमें कभी भी फिल का इस्तेमाल नहीं करता, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ तीनों ऑप्शंस के, अगर आप पास में लगाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, अगर आप नहीं लगाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, या अगर आप दूर कर देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। तो अब आप तीनों शॉट्स देख सकते हैं कि इन तीनों शॉट्स में से पहला वो शॉट है जिसके अंदर हमने साइड में फिल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे पर्सनली वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और दूसरा वो है जिसके अंदर हमने फिल लगाया था और फिल बहुत ही क्लोज था, तो वहाँ पर उसमें लगभग शेडोज़ ख़त्म हो गई हैं, तो अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा वो शॉट है जिसके अंदर कि हमने थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट किया अपने फिल का, और उसमें सॉफ्ट शेडोज़ हैं, शेडो है, दोनों बैलेंस नहीं है, एक तरफ लाइट ज़्यादा है, एक तरफ लाइट थोड़ी सी कम है। यहाँ पर आप देख चुके हैं जो साइड से मैंने लाइट को लगाया था। सो एक वो शॉट भी देखते हैं जिसमें मैं डायरेक्टली, जो यूजुअली सभी लोग लगाते हैं, तो मैं उस तरीके से लाइट को इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। मैंने लाइट को पूरी तरीके से सेंटर पॉइंट किया है। इससे पहले जो हमारी लाइट थी वो ऑफ सेंटर थी, मतलब उसका जो सेंटर स्पॉट था वो हमारे मॉडल को हिट नहीं कर रहा था, पर अभी वो सेंटर स्पॉट यहाँ पे हिट कर रहा है। सो इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि डबल डिफ्यूजन क्या है, पहले एक शॉट लेते हैं और शॉट लेकर के एक डिफरेंस को समझते हैं कि डिफरेंस कैसा आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लाइट है वो उसने हॉटस्पॉट नहीं क्रिएट किया है, सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर आया है कि जो पहले वाले पोर्ट्रेट में जिसमें साइड से हमारा लाइट लगी हुई थी उसमें जो बैकड्रॉप था वो बिल्कुल डार्क था, और इसमें क्योंकि लाइट का जो फॉल ऑफ है वो हमारे मॉडल के ऊपर हिट करके बैकड्रॉप के ऊपर भी जा रहा है, तो बैकड्रॉप भी यहाँ पर साथ साथ लिट हुआ है। पर जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो सिर्फ ये है कि लाइट मोटे 120 को अगर आप डायरेक्टली भी सब्जेक्ट के ऊपर हिट करेंगे तो भी वो हॉटस्पॉट नहीं क्रिएट करेगा और एक बहुत ही इवन लाइट देगा। सो एक बार मैं दिखाता हूँ क्यों वो आपको इवन लाइट देता है। तो इसको अगर आप खोल के देखेंगे, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेंटर में ये डबल डिफ्यूजन लगाया हुआ है इसके अंदर। सो लाइट जब हिट करती है इस डिफ्यूजन को और फिर वापस जाती है, तो वापस जाके जहाँ इवन होकर के निकलती है, बाकी के मॉडिफायर्स में सेंटर से एक हॉटस्पॉट क्रिएट होता है, तो जहाँ सेंटर में थोड़ी ज़्यादा लाइट होती है और उसके आसपास जो है वो लाइट कम हो जाती है, तो वहीं यहाँ पर ये पूरे तरीके से ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बैलेंस लाइट आती है। तो इसलिए आपने देखा जब मैंने डायरेक्टली हिट किया यहाँ पे मॉडल के फेस पर, उसके बाद भी इसने कोई हॉटस्पॉट नहीं दिया, एक बहुत ही इवन लाइट दी है, बैकड्रॉप लिट हो गया आपका मॉडल के ऊपर, ऊपर से नीचे तक बहुत ही इवन लाइट है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था ये एक ऐसा मॉडिफायर है जिसको आप सिर्फ पोर्ट्रेट में नहीं, आप फैशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो आप इसको डिस्टेंस पर लगाइए, डिस्टेंस पर लगा करके
फुल लेंथ पोर्ट्रेट सिंगल लाइट से पूरी तरीके से इवनली लिट पोर्ट्रेट्स निकलेंगे। मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, अगर आपके फिर भी कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दे सकूँ।